तो दोस्तों आप लोगों को खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए नीचे का नज़ारा। और नीचे ये देखिए वो हसी और आगे से जा रहे हैं, हिमालय का नज़ारा देखिए। तो दोस्तों पहले रिलकोट इसी टापू पर था जो कि सामने आपको जो घर दिख रहे होंगे जो कि अब जो है खंडहर हो चुके हैं। वर्तमान में जो रिलकोट है आप लोगों को दिख रहा होगा, नीचे घाटी जो नदी है उसके ऊपर साइड जो रिलकोट बसा हुआ है। तो आप लोग देख रहे होंगे और आगे वो पार भी गांव है, खिलाच और टोला गांव जहां टोलिया लोग रहते हैं। टोला गांव तेज हवाएं चल रही, देखिए बहुत हवाएं है, शायद मेरी आवाज नहीं आ पा रही होगी आप लोगों को। ये देखिए बड़ा यहाँ पानी और गिलीज हवाएं चल रही, चारों इस साइड भी मारे, इस साइड भी मारे, यहाँ भी दोनों साइड में तो इमारे दिखाई दे रहे हैं इस वाले एरिया में भी, यहाँ पे भी इसी के बीच में जो है गोरी नदी कस वो हो रहा है, संगम हो गई है गोरी नदी जा रही है आप लोग देखिए। तो आप हमारे साथ बने रहे खूबसूरत हसीन वादियों में आपका स्वागत है। तो अब हम आगे कंटिन्यूसली यात्रा करेंगे और थकान भी बहुत लग रही है। जैसा कि आपको बताया कि यात्रा का तीसरा दिन हमने डायरेक्ट कोई नाश्ता नहीं, कहीं खाने को नहीं मिला, तो हमने अभी मैगी बनाई थी और सेवा खाया था। अभी हम और जा रहे हैं आगे। दोस्तों इधर पे ये बोर्ड लगा है, एक पूरा रास्ता मरतोली, नीचे बुरफू जैसा लिखा है। तो अभी देखिए रोड से जाना है, अभी हमको कुछ पता नहीं, अभी रोड से ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि रोड जो रास्ता है नीलम गांव तक जाता है। तो दोस्तों अभी हम कंटिन्यूसली चल रहे हैं इस साइड को, अगर जब नीलम ये रोड आती है इसके ऊपर वाला जो रास्ता जाता है वो मरतोली को जाता है, और ये सड़क पकड़ेंगे हम तो कंटिन्यू रोड से होते ये नीलम को जाएगा, आगे बुरफू आएगा और पड़ा ये तो वहीं, और इधर से जो 3 किलोमीटर ऊपर मरतोली। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं खूबसूरत नज़ारा, ये उस साइड पार वाली गोरी नदी है और उसी एक साइड नदी इधर पर मिल रही है, ये देखिए। और यहाँ सामने देखिए जो लैंडस्केप लैंडफॉर्म टोपोग्राफी आप लोग देख रहे हैं जमीन की, और इधर से ये हिमालय दिख रहा है ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सामने खड़ी पहाड़ियाँ। अभी भी हमारा सफ़र जारी है, ना मालूम आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मिलम तक पहुँच पाते हैं नहीं पहुँच पाते। इतने खूबसूरत डेस्टिनेशन में यार पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार, क्योंकि इससे पहले मैं अमरनाथ गया, उस चीज़ को भी देखा, नंदाकुंड गया, वहाँ पर क्या था कि उस टाइम पे पूरा क्लाउड्स बादल वगैरह कोहरा लगा था इसलिए नहीं दिख पाया। तो यहाँ का जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है हम लोगों को कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, इतना हम आपको सजेस्ट करेंगे आप अवश्य एक बार जो है मिलम ग्लेशियर का ट्रैक करें आप जो है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये नुकीले नुकीले जो यहाँ पर लैंड फॉर्म है, जब इस पर बर्फ़ पड़ी उससे घिसने से देखिए बिल्कुल शंकाकार हो गया, बिल्कुल त्रिभुज जैसे आप लोगों को दिख रहा है सामने बर्फ़ की उससे घिसने के कारण, इसलिए ये आप लोगों को गिरते दिख रहे होंगे। दोस्तों देख रहे होंगे नीचे ये गोरी नदी और ये पहाड़ और ये ऊपर हिमालय का नज़ारा आप लोग देख रहे होंगे, ये रख है सड़क और ये गोरी नदी और ये ऊपर हिमालय, क्या ज़बरदस्त व्यू है, नाइस। तो दोस्तों अभी हम पहली बार इधर पे हम जो है गोरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं, ये पुल है आप देखिए ब्रिज, ये रोड जा रही है और ब्रिज के नीचे ये गोरी नदी, अभी पार जाके आपको दिखाएंगे, यहाँ पे हम पहली बार क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पुल को। तो दोस्तों अभी हम जो है बुरफू में पहुंच चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे
ये बोट बुरफो बिल्जू यहाँ से जो है 8 किलोमीटर है, आप लोग देख रहे होंगे। अभी हम ये बुरफो पहुँच चुके हैं और बिल्जू 8 किलोमीटर है, हम तो अभी आगे जाएंगे तो आप लोगों को ट्रैक के बारे में बताते रहेंगे। काफ़ी ठंडा हो रहा है, समय भी दिन के 4 साढ़े 4 हो चुका है शायद। तो दोस्तों चलते चलते हमको 4 बज चुके हैं, अभी हम जो है बुरफो में पहुँचे हैं। बुरफो से लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में बिल्जू पड़ता है, फिर उधर से 3 किलोमीटर मीलम गाँव आएगा लगभग, यहाँ से अगर 11 किलोमीटर अभी मीलम गाँव है तो ना 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में अभी मीलम गाँव आएगा। तो देखो अभी भी 4 बज चुके हैं, हम 5:30 या 6 बजे तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। अभी सफ़र जारी है, अगर बिल्जू तक भी पहुँच पाए तो देखिए एक रास्ता ऊपर साइड से भी जाता हमको पाछू और घनघर की ओर पार करके हम बिल्कुल बाई रोड पकड़ते हुए हम जा रहे हैं। तो अब हम जाएंगे, यहाँ रुकने का कोई साधन नहीं है, कोई लोग भी नहीं है, सारे लोग जो है अब घर जा चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे को कंटिन्यूसली, फिर देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। अगर हम सही जगह नहीं पहुँच पाए तो हमको जो है रात में मरवा व्यवस्था है, टेंट टेंट लगा के रह सकते हैं हम कैंपिंग करके, नाइट कैंपिंग वगैरह ये चीज़। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पर सफ़र काफ़ी हमारे काफ़ी टफ हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं कंटिन्यू। यहाँ पे देखेंगे कि चढ़ाई आ रही है, रोटी रोड निकले हम, क्योंकि रास्ते में अभी क्योंकि बहुत से बिल जो 8 किलोमीटर होगा। तो दोस्तों इधर पे ऊपर से कुछ जानवर जा रहे हैं इसलिए हल्के से बोल रहे हैं आप लोग पहली बार। वाह क्या नज़ारा दिखा दिया यार। तो दोस्तों जितने हम हाइट पर जा रहे हैं आप लोगों को दिखा हुआ ये छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं जहाँ पे भी नीचे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब हाइट पर यहाँ पे भी लोग रहते हैं, अभी ऊपर मीलम में भी गांव है, लोग रहते हैं और यहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए जो अनवाल लोग होते हैं वो आते हैं। तो इसी छोटी झाड़ियों को पकड़ के इनको उखाड़ के इसी को जलाया जाता है आग के रूप में, ये जो हरा भरा भी जल जाता है, आग जलाने का काम करते हैं, ऐसे इंतज़ाम होता है यहाँ हिमालय में आग जलाने का। और आप लोग देख रहे होंगे अभी भी हमारा सफ़र जारी है, 5 बज चुके हैं, नामालूम हम कहाँ तक पहुँचते हैं, बहुत ही थक चुके हैं। और मेरे पीछे का खूबसूरत नज़ारा और हिमालय भी दिख रहा है, हिमालय में भी जो है बादल आ चुके हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों, ये खूबसूरत सी घाटी वैली। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना तू चल टकर ना कर अगर मगर। तो दोस्तों यकीन नहीं हो रहा है मुझे, ये बिल्जू में पहुंच गया है, क्या बात है। ये देखिए हमारे बोर्ड में कितने कितना रहा है टाइम। तो देखिए दोस्तों फाइनली हम बिल्जू में पहुंच चुके हैं, 5:33 लगा लो हम यार, 8 किलोमीटर क्रॉस कर दिया, ये यकीन नहीं आ रहा। हम तो सोच रहे थे अभी तो हम मीलम पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही थक गए हम लोग, लेकिन बिल्जू में पहुँच गए, अभी हम आगे कोशिश करेंगे मीलम जाने की। तो आप हमारे साथ बने रहे, देखो आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से पता करेंगे। इधर पर लिखा है कि होटल। फाइनली दोस्तों आप लोग देखिए ये बिल्जू का नज़ारा, हम लोग जो है बिल्जू में पहुंच चुके हैं, मीलम गांव यहाँ से 3 किलोमीटर है। अरे खेत में मिला आप लोगों को, अरे 1935 टाइम पे जो आपके पूर्वज होंगे उनके द्वारा कहीं पे कोई देवता, आपको बता दी क्या नाम इसका। तो दोस्तों इधर पे देखिए एक अद्भुत चीज़ मिली मेरे को, ऐतिहासिक 1935, ये पहले से इसमें पूरा लिखी पहली बच्ची है। तो दोस्तों देखिए इधर पर 1935 अद्भुत जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ पे कुछ मूर्ति मिली है, ये भी चीज़ है। तो आप लोगों का घर चला भैया, आपका नाम क्या हुआ? पंडित जी आप नीचे, आप कब जाओगे, कब तक हो आप लोग यहाँ? अब परसों नशों को चले जाते, हमने सोचा था नवंबर 10-15 तारीख को जाएंगे सोचा था, तो
आज दो बकरी था हमारा वो पत्थर के यहाँ से गायब हुए अब। अरे एक बकरी नीचे बांध रखा उसको देखा हमने रोड से नीचे वहाँ वो बकरी है वो रस्सी से बांध रखा कहाँ पर है नीचे में देखा आपका तो हमने कहा यहाँ क्यों बांध रखा है वो तो रस्सी भी है उसके गले में उसके साथ दो था एक ले गया होगा हाँ लिया भालू लिया क्या लिया अरे इधर भालू आलू भी आता है भैया भालू तो दोस्तों अभी यहाँ इधर पे देखे कि आंटी जी की बकरी खोई दो बकरी एक बकरी तो हमने देखी अभी रोड के नीचे तो इधर पे अभी फाइनली उन भैया चले गए उसको बकरी को लेने तो देखिए ये भी बड़ी बात है यहाँ पे बालू या शेर कितना मकान तोड़ दिया यहाँ। अरे अभी तो ये पूरा ये तो अवशेष है कि आप लोग नहीं रहते इधर खंडहर हो चुका है यहाँ। आपका नाम क्या था आंटी जी? मेरा नाम श्रीमती उषा देवी बिरजवाल तो मैं मुंशियारी रहता हूँ ये दारचूला से हमारे यहाँ काम करने के लिए। अरे काम करने के लिए अभी तो हम जा सकते हैं अभी पहुँच सकते हैं ना आंटी जी हम मिलम में। हाँ पहुँच सकते मिलम गांव में तो ठीक है भैया। अरे लोग तो दोस्तों इधर पे देखिए जय हो एक मंदिर भी जय मानंदा जो माँ हमारी इष्ट देवी आप लोगों को देखिए अंदर जय हो मानंदा सुनंदा की जय। ये खूबसूरत सा प्यारा मंदिर बन रखा है देखिए यार क्या गजब गांव के बीचों बीच में ये मंदिर बना रखा है लोगों ने क्या कल्चर है यहाँ की सभ्यता देखो यार अभी तो ये लोग यहाँ रहने नहीं रहते बहुत से मकान जो है खंडहर हो चुके हैं। तो दोस्तों अंधेरा होने वाला है 3 किलोमीटर मिलम है बड़ी खुशी हो रही है हम जो है मिलम गांव पहुंच सकते हैं 2 दिन तो में यार इस बात की हम 8 किलोमीटर के 1.5 घंटे में कवर कर लिया हमने। देखिए अब हमारा लगेज देख सकते हैं इतना भारी सामान है ये देखिए और मेरे पास भी और ये देखिए यहाँ पे ये है बिलजू गांव। दोस्तों अभी अंधेरा हो रहा है इसलिए लो लाइट परफॉर्मेंस हो रहा होगा बड़ी खुशी यार ये तो गजब हो जाता है 2 दिन में हमने 2 दिन में हम मिलम पहुँच जाएंगे गजब। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अंधेरा हो चुका है अंधेरे में भी हम लोग वॉक कर रहे हैं अभी देखिए अंधेरा हो चुका है अभी हमको मिलम पहुँचना है यहाँ पे कंटिन्यूसली सफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अभी भी तुम्हारा बताइए अंधेरे में हैं अभी 3 किलोमीटर और जाना है ना हमको ना 2 किलोमीटर। तो दोस्तों फाइनली अभी अंधेरा हो चुका है इधर से जैसे कि आप लोगों को देखा कि बिल जो से 3 किलोमीटर लिखा था लेकिन बहुत ज़्यादा है हमने सोचा जल्दी पहुँच जाएंगे फिर इधर पे जैसे कि हमारे बुबू जी जो कि भवन सिंह पवार अगर आपने चुकाणी धुरा जो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन वीडियो देखी हुई तो वो है देखिए थोड़ा सा अंधेरा और थोड़ा उजाले में जितने भी अपने बंदे हैं सब समकोट के देखिए मिलम में मिलिए। तो दोस्तों देखिए ये हमारे बुबू जी भवन सिंह पवार बुजे आप लोग देख रहे वीडियो में बबरी यहाँ ठंडा था क्योंकि दाढ़ी हाड़ी नहीं काटनी पड़ती है आप लोग देख रहे हैं और ये सारे समकोट के मुंशारी का भाई है देवू चाचा हमारे तल्ला समकोट के देखिए मैं यहाँ पे बेरा बड़े कंडीशन में जीना पड़ता है ये तो दोस्तों ये मोर्तोलिया जी। तो दोस्तों फाइनली इधर वो पहुँच चुका आपने बड़ी खुशी हुई आप इन्हीं के भरोसे हम इधर। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमको खाना नसीब हुआ हम मिलम पहुँच गए दूसरे दिन ही लगा लो बटार से आज मिलम आए थे ये खाना मसा पैसा रहा खाना बढ़िया और इधर की इन्होंने बहुत व्यवस्था की। हाँ ये धामी जी इधर भी इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया व्यवस्था की हमारे इनके सहयोग से ये हो पा रहा है क्योंकि इधर पर भी इनका पूरा चार्ज इनके अंतर्गत है यहाँ। दोस्तों देखिए फाइनली बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज भूखा आए थे हमने रास्ते में मैगी खाई थी बना के और उसके बाद ये खाना मिल रहा है क्योंकि सारे होटल बनते हैं ऑफ सीजन हो रहा है यहाँ।